हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 7 की एमसीक्यूज। धीरे धीरे मैं सारे चैप्टर के जो आपके एमसीक्यू हैं वो कवर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। इसके पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। हम बोर्ड की अपडेट्स भी आपको देते रहते हैं, ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को वहाँ ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो फर्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन, इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है। ए इंसुलिन, बी थायरॉक्सिन, सी ऑस्ट्रोजन एंड डी साइटोकाइनिन। तो राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर है इसका, आप देखो ये तो आपका एनिमल हार्मोन हो गया, थायरॉक्सिन एनिमल हार्मोन हो गया, ये भी एनिमल हार्मोन हो गया, तो राइट आंसर क्या हो गया, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, जो दो न्यूरॉनों के बीच में गैप्स होते हैं उसे क्या कहते हैं। ए डेंड्राइट्स, बी सिनेप्स, सी एक्सॉन, डी इम्पल्स। तो राइट आंसर इसका है बी सिनेप्स। सिनेप्स जो होता है एक न्यूरॉन का एंड और दूसरे न्यूरॉन के स्टार्टिंग पॉइंट, उनके बीच में एक गैप होता है जिसको सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ब्रेन किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है। ए थिंकिंग, बी रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, सी बैलेंसिंग द बॉडी, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है, देखो अगर हम बात कर रहे हैं अपने ब्रेन की तो ब्रेन किस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये तो हमें क्वेश्चन पढ़ के ही पता लगे कि अगर ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं तो ऑलमोस्ट इसमें सारे ही ऑप्शन सही है जिसको हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच इंजेक्शन इज गिवन टू ए डायबिटीज़ पेशेंट, डायबिटीज़ पेशेंट को कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है। ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन, बी टेस्ट्रोन, सी थायरोक्सिन, डी इंसुलिन। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है इंसुलिन, डायबिटीज़ के पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, द स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन सेल इज कॉल्ड, दो न्यूरॉन सेल के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो, क्योंकि अभी जो मैंने 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए, 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए, उनमें ये इस क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच हार्मोन इज सीक्रेटेड इन अ 10-12 ईयर ओल्ड मेल, मतलब मेल जब है वो थोड़ा सा मतलब 10-12 साल में वो बच्चा आ जाता है तो उसमें कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है। ए एस्ट्रोजन, बी एड्रेनलिन, सी टेस्ट्रोन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है टेस्ट्रोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कॉज ऑफ ग्वाइटर इज, ग्वाइटर किसके कारण होता है। ए आयरन डेफिशिएंसी, बी सोडियम डेफिशिएंसी, सी आयोडीन डेफिशिएंसी, डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इसका क्या है, देखो ग्वाइटर क्या होता है, गला, हमारा जो गले का नेक वाला पार्ट होता है ना, स्वेल हो जाता है, तो किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। आपने पढ़ा हुआ है ना, सुना हुआ है ना एड में, आयोडीन वाला नमक खाओ। क्यों आयोडीन वाला नमक खाओ, ताकि आप ग्वाइटर से बच जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, द इमरजेंसी हार्मोन इज कॉल्ड, इमरजेंसी हार्मोन कौन सा होता है। ए एड्रेनलिन, बी नेरेडलिन, सी ग्रोथ हार्मोन, डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इसका क्या है, ए एड्रेनलिन, एड्रेनलिन ग्लैंड को हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन, इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है, ये आंसर आपके लिए, ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना दोनों क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट इन, ग्रोथ हार्मोन कौन सीक्रेट करता है। ए इन द थायराइड ग्लैंड, बी इन पिट्यूटरी ग्लैंड, सी इन द थायमस ग्लैंड एंड डी इन पैनक्रियास। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करती है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट हैपन विद लैक ऑफ आयोडीन इन अवर डाइट्स, अगर हमारे डाइट्स में आयोडीन की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी। ए ग्वाइटर, बी मलेरिया, सी टाइफाइड, डी डायबिटीज। तो राइट आंसर इसका क्या है, ग्वाइटर। नेक्स्ट, ए नर्व सेल इज कॉल्ड, एक नर्व सेल को क्या कहते हैं। ए न्यूरॉन, बी नेफ्रॉन, सी एक्सॉन, डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या है, नर्व सेल हम किसको बोलते हैं, न्यूरॉन को।
आपने चैप्टर समझा होगा तो सारे आंसर आपको फटाफट आ रहे होंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू हॉर्मोन्स कंट्रोल इन प्लांट? वाटर राइजिंग और डायरेक्शनल ग्रोथ, सी वाटर कंट्रोल, डी नन ऑफ द अबव। तो जो वाटर जो हार्मोन है वो प्लांट के किस चीज़ को कंट्रोल करता है? देखो जो भी है इसमें से अगर हम सारे ही ऑप्शंस को देखें, अगर हम इसमें जो है ए को देखें वाटर राइज, तो ये तो नहीं करता है। वाटर कंट्रोल, तो ये भी हार्मोन नहीं करता है। हार्मोन क्या कंट्रोल करता है? डायरेक्शनल ग्रोथ। अगर प्लांट ऊपर की तरफ ग्रोथ कर रहा है तो वो ऑक्सिन हार्मोन है जो उसको एक डायरेक्शन में ग्रोथ करा रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, द मूवमेंट ऑफ द सनफ्लावर टूवर्ड द सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सनफ्लावर जो है वो सन की तरफ ही, देखिए ये जैसे सनफ्लावर है, ठीक है, समझना आप, ये सनफ्लावर है तो जिस साइड सन का फेस होगा ना, ये ऐसे ऐसे रोटेट गोल गोल घूमता जाता है इसका फेस। ऐसा क्यों होता है? ए हाइड्रोट्रॉपिज्म, बी जियोट्रॉपिज्म, सी फोटोट्रॉपिज्म, डी केमोट्रॉपिज्म। राइट आंसर क्या है? फोटोट्रॉपिज्म। लाइट की तरफ अगर वो मुड़ रहा है तो वो कौन सा हो गया? फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। जियोट्रॉपिज्म नीचे ग्रेविटी की तरफ, हाइड्रोट्रॉपिज्म पानी की तरफ केमिकल से, तो वो क्या है? केमोट्रॉपिज्म, ठीक है। सारे ट्रॉपिज्म पता लग गए। क्वेश्चन नंबर 15, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए हार्मोन दैट ए प्लांट मैकेनिज्म प्रिवेंट। ए ऑक्सिन, बी साइटोकिनिन, सी एब्सिसिक एसिड, डी नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर। इसका राइट आंसर है सी एब्सिसिक एसिड, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन हेल्पफुल हुए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।